हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर जिसका नाम है क्रिया, ये समझाने जा रही हूँ। देखिए, हमने इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम ये सब हमने सीखा हुआ है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, जो भी नाम आता है, जैसे सूरज है, इरादिका, ये सारे हमारे संज्ञा कहलाएंगे। और सर्वनाम, इनकी जगह पर जो भी चीज़ होगी वो सर्वनाम कहलाता है। अब उसी से आगे हम बढ़ते हैं, जिससे हमने वाक्य बनाना भी सीखा था, तो उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, इसकी परिभाषा है, पहले हम इसको परिभाषा के बेस पर समझते हैं। किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। मतलब कोई भी काम जो किया जा रहा है या हो रहा है वह क्रिया कहलाता है। बहुत से काम तो हम करते हैं और बहुत से काम खुद भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, सूरज खेल रहा है। सूरज क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो सूरज खेल रहा है, ये हमारा जो खेल है, मैंने क्या बोला अभी आपसे, करना या होना। तो सूरज क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? क्रिया। खेलना हमारी क्रिया कहलाएगी। उसी तरह से बारिश हो रही है, बारिश क्या रही है? हो रही है। तो बारिश हो रही है तो ये हमारी क्रिया कहलाएगी। क्यों? मैंने आपको अभी बताया कि कोई बहुत से काम तो हम करते हैं और बहुत से काम दूसरे के द्वारा किए जाते हैं। तो इस वजह से अभी बारिश अपने आप हो रही है, ये भगवान, मतलब ये आसमान में से होती है, इसे कोई इंसान नहीं करता है, तो ये खुद से हो रही है। तो ये भी हमारी क्रिया है। खेलना भी हमारी क्रिया है। पिताजी चाय पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाय को पी रहे हैं। राधिका नाचती है। राधिका क्या कर रही है? नाच रही है। ये भी हमारी क्रिया है। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो बोल सकते हैं नाचना, गाना, खेलना, कूदना। इसी तरह से नाचना, गाना, खेलना, कूदना, पीना, खाना, दौड़ना, भागना, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो हम कर रहे हैं या खुद से हो रही है, जैसे बारिश हो रही है और धूप निकल रही है, या कुछ भी हम ले सकते हैं इसमें, तो क्रिया वही कहलाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिसमें किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है, चाहे वो काम हम खुद से करें चाहे वो काम कोई और करे, मतलब खुद से होता है, तो काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। ओके, थैंक यू।